चिंता क्यों करो, रथ मेरे पास भी है, हेलीकॉप्टर मैं भी उठा दूंगा, और नेताओं के पास क्या सामान है बताओ, तो थानेदार लगा लो, डिप्टी लगा लो, प्लॉट पे कब्जा कर लो, अपना परिवार बढ़ा लो, कोई जनता की सेवा कर पाया कि नेता बताओ? जो लोग भूख मरते थे, साइकिल का सामान नहीं, 1000-2000 रुपए लेके तेल डलवा दे गाड़ी के अंदर, और वो खरबों में खेल रहे हैं। तो मोदी की ईडी मेरे पीछे लग जाती, मेरे से ज्योति मित्रा से पहले मुझे मोदी के पास जाना पड़ता, जाना पता नहीं पड़ता। की सभा के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए इस लोअर क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे मौजीज भाइयों, लोअर के अंदर जो जोश ऊर्जा मैंने आपके अंदर देखी है, जिस तरह का जुनून लोअर के नौजवानों के अंदर था, कांग्रेस पार्टी का दबाव ज्यादा मैं देख रहा हूं लोअर के अंदर। बाजार में लाइट नहीं थी, हनुमान जी का जुलूस आ रहा है तो लाइट काट दो, आपको तो पता है मेरे कोई लाइट काटता है तो मैं उसका पूरा कनेक्शन ही काट देता हूं राजस्थान। लाइट कटाई वो तो गया, आचार संहिता लगी, सड़क छाप, और अब नया कोई आएगा, नया कौन आएगा? या सुनो मेरी बात, आरएलपी से तो आएगा, इस बार आरएलपी लोट के अंदर कोई गठबंधन इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से नहीं करेगी। उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा, मैं एक दो दिन में मेरे किसी एमएलए की ड्यूटी लगा दूंगा, पुखराज जी की लगा दूंगा, पुखराज जी एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, आरएलपी से जीत कौन सकता है वही लोगों का उम्मीदवार होगा, और आप सब उसमें खुले मन से अपने विचार रखेंगे। मेरे दिमाग में तो अभी तक कोई नहीं है, कई लोग गलतफहमी में होंगे, हनुमान जी दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं आरएलपी की वजह से कहीं वो लोग वापस नहीं आ जाए, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा रहा, ये भी चाहता हूं, समझ लेना, मेरा हिसाब किताब चलता रहता है उनका समय समय पर, वो मुझे बहुत परेशान करता है, तो मैं कभी कभार वापस परेशान कर देता हूं जाके, और जो मुझे परेशान नहीं करता तो मैं उनको परेशान कभी नहीं करता, मुझे कोई परेशान करता है मैं पक्का परेशान करता हूं उसको, ये मेरी आदत है, आदत बदल नहीं सकता, मैं लंबी लड़ाई लड़ी जा सकता। भाइयों, उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा, ये सर्वे कैसे होगा आप जानते हो, मेरा सर्वे तो सटीक सर्वे होता है, पुखराज जी की ड्यूटी लगा दूंगा, लो आउट भी लड़ेंगे और ओसिया भी लड़ेंगे, दोनों सीटें जीतनी, लो आउट ओसिया का ऐसे समीकरण बनाएंगे कि दोनों सीटें आरएलपी के खाते में आ जाए, ओसिया लो आउट, ये आप सब, मैं एक बार आप लोगों से बात होगी तो मैं बात भी करूंगा दोबारा, लेकिन आज हमारी सत्ता संकल्प यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर है, देखिए यात्रा पहले भी हुई, बीजेपी भी यात्रा लाई, लेकिन हाँ ये सही है कि बीजेपी का चेहरा कौन था, कौन चेहरा बीजेपी का, 6-7 जगह यात्रा आ रही है, अलग 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 दूल्हे, तोरण कौन मारेगा ये बताओ, जो तय नहीं बीजेपी का तोरण कौन मारेगा, भाई बारात तो आ गई लेकिन कौन सा दूल्हा तोरण पे आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति है, और कांग्रेस में पता ही नहीं चल रहा, 5 साल दलों में बंटी कांग्रेस, कांग्रेस का राज गिराने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, मेरे पास तो 3 विधायक थे, मैं तो खुद उसमें सरकार गिराने के अंदर बीजेपी के साथ था, आपको पता है सारी बात का, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, 3 MLA मैंने कहा ले लो और गहलोत सरकार को गिरा दो, साथ ही थे सारे, लेकिन किसके साथ था, बीजेपी के साथ था, वह मानेसर के कैंप में नहीं था, जो अलग कैंप मानेसर के अंदर गया था कांग्रेस का, लड़ाई लड़ी उस कैंप ने, क्या हुआ वापिस आ गए गहलोत की छतरी के नीचे, आए कि नहीं है, गिर गई क्या सरकार, नहीं गिरी, और गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, दिया कि नहीं दिया, और ये सही बात है, वसुंधरा ने अपने 8-10 विधायक गहलोत के पास भेज दिए, अशोक जी आपने मेरी मदद करी है, मैं हमेशा आपकी मदद करती रहूंगी जब तक मैं बीजेपी के अंदर हूं, और ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, इस मिलाजुली के खेल की बात
अरमान बेनीवाल ने 2009 के अंदर शुरुआत करी, जिस बात का झगड़ा बीएपी के अंदर हुआ, आंतरिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार की देवी के साथ बीजेपी में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकाल दिया, मैं आ गया आपके बीच। 13 में निर्दलीय जीता, निर्दलीय विधानसभा के अंदर गया, और 13 के अंदर आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो खींचर में निर्दलीय अपने लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन लॉआउट के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के वोट मांग रहे, हजारों गाड़ियों के साथ लॉआउट के अंदर आया था और कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो जितने वोट से दिलवा दिए थे सारे, जो मुझे मानते थे वोट दे दिए, लेकिन ऐसी ताकत और हिम्मत किसी और नेता के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर कहां नेता हूं हिम्मत बताओ मुझे। अरे कांग्रेस कांग्रेस, अरे बीजेपी बाहर निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, निकाल देगी तो चिंता क्यों करते, मैं बैठा हूं ना, मैं भर्ती कर लूंगा आदो को निकालने की, तो ये मान लो कोई भ्रष्टाचारी हो बदमाश हो उसको नहीं लूंगा मैं, वैकेंसी नहीं मेरे पास, और अच्छा आदमी हो निकाल दिया, चिंता क्यों करो, रथ मेरे पास भी है, हेलीकॉप्टर मैं भी उठा दूंगा, और नेताओं के पास क्या सामान है बताओ, कोई थानेदार लगा लो, डिप्टी लगा लो, प्लॉट पे कब्जा कर लो, अपना परिवार बढ़ा लो, कोई जनता की सेवा कर पाया क्या नेता बताओ। मैं तो देखा जो लोग भूख मरते थे, साइकिल का सामान नहीं, 1000-2000 रुपए लेके तेल डलवाते गाड़ी के अंदर, अरबों खरबों में खेल रहे, कहां से आए पैसा, कहां से आया बताओ मुझे। एक तरफ मुझे देखो, 77 से लेके आज तक पिताजी एमएलए, खुद एमएलए, एमपी, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, छोटा भाई विधायक, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मोदी की ईडी मेरे पीछे लग जाती, मेरे से ज्योति मेहता से पहले मुझे मोदी के पास जाना पड़ता, जाना पता नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ज्योति को डर लगा कि सासू जेल चली जाएगी, परिवार जेल में होगा, तो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके नागौर जाओ, फेसबुक अकाउंट बंद, 5 साल में एक आवाज नहीं उठाई, किसान मर रहा था, जवान आत्महत्या कर रहा था, कोविड के अंदर लाखों लोग चले गए, ज्योति मेहता का नंबर बंद था, लोकसभा के अंदर थी, एक बार खड़ी होकर नहीं बोली कि मेरे नागौर और राजस्थान में ये होना चाहिए, उसका 5 करोड़ बजट खर्च नहीं हुआ, अखबार वालों ने पूछा क्या हुआ, और मैं भूल गई और आचार संहिता लगी, वो मैंने खर्च किया, कितने साल बाद, 9 से 14 बीजेपी के अंदर 14 का सांसद बीजेपी का बड़ा, उसको भी पता नहीं, वो भी नहीं ले रहा था, 19 में मैं आया, मैंने कहा निकालो किन किन के खातों में क्या पड़ा है, 5 करोड़ ज्योति के खाते में, 1.5 करोड़ पिछले वाले के, अब उससे आगे का नाम नहीं लूंगा, आगे मेरे खाते के अंदर, जो खुद का बजट खर्च नहीं कर पाए, जो किसान जवान की दुख तकलीफ के अंदर हिस्सेदार नहीं बने हैं, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले, मेरे दादाजी, अरे कटे 18 दादाजी बताओ सही, तो नहीं देखे, चलो मैं आ गया तो तुम्हें मुक्त करा दें दादाजी से, नहीं तो और 50 साल गुलामी करते हैं मारवाड़ के अंदर, मुझे धन्यवाद दो कि मैं आया, और कितने नए नेता तैयार करके, देखो मंच पे कितने नए नेता एक नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के मंच पे इस तरह बैठते कि लोग बताओ मुझे, आप ये बताओ मंच पे ठाकुर साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, यहाँ कितने के एमएलए का चुनाव लड़े, 2 एमएलए बाकी लड़ने की तैयारी के अंदर है, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, लेकिन सब आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज के नेता आधा घंटा माइक पकड़ा तो भाषण दे रहे हैं, किसने तैयार किया इनको, मैंने तैयार किया, मुझे तैयार किसने किया, आपने किया, आपने तैयार करके भेज दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी दी, हनुमान जी आप पे भरोसा कर रहे हैं, खींचर की जनता कर रही है, लॉआउट कर रही है, ओसियां कर रही है, नागौर राजस्थान कर रहा है, किसानों की लड़ाई आपको ही लड़नी है, आपने कह दिया, कितनी बड़ी लड़ाई मेरे ऊपर डाल दी,